सो ये वर्ष गैस तो कैसे हैं आप लोग, वेलकम है आप सबका हमारे चैनल गेमिंग टेक प्यांस में। सो एक साथ वीडियो के अंदर हम जो है बात करने वाले हैं रियल ग्रो 22 के अंदर आप सभी किस तरीके से हर बॉल पे 6 और 4 सीट कर सकते हो लगभग, क्योंकि अगर इस आप सभी को पता ही होगा कि इस समय बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है इसके अंदर 6 और 4 सीट करना। सो आज की वीडियो के अंदर काफ़ी बेहतरीन सा ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं, किसी के हिसाब से भी अच्छे से बैटिंग कर सकते हो, सारी चीज़ें फुल डिटेल में बताऊँगा। सो वीडियो के अंदर लास्ट तक बनेगा, क्योंकि आप सभी को कुछ बोनस टिप्स भी दूंगा वीडियो के बीच में। सो वीडियो के अंदर लास्ट तक बनेगा। सो छिड़का जो मान ली स्टार्ट। सो अगर सब अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। सो छिड़का जो फाइनली स्टार्ट। सो एक इससे यहाँ पे आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है। सो एक जैसे ही वो बॉल को लीव करने वाला हो बॉलर, सो एक हिसाब से तुरंत ही प्रेस कर देना है सीट वाले बटन पर, आपका 6 लग जाएगा। चलिए कुछ 6 मार के आपको दिखा देते हैं। सो एक यहाँ पे हमने जो है स्लो स्पीड से आप सभी को दिखा रहा हूँ गाइस स्लो मोशन में। सो आप सभी आराम से देख के समझ लीजिए कि 6 मैंने 6 को हिट किया है। देखिए कई बार ये स्पीड पे भी वेरी करता है कि आपको कब टाइम करना है, बट लगभग उतने ही टाइम पे आपको करना है, थोड़ा बहुत आगे पीछे करना पड़ेगा गाइस। सो यहाँ पर आप सभी देख लीजिए आराम से किस तरीके से मैंने 6 हिट किया है, आपको कुछ और 6 ऐसे हिट करके दिखाते हैं गाइस। एंड आप सभी को स्पिन से भी बताएंगे गाइस किस तरीके से हिट करना है स्पिनर के अगेंस्ट। सो इससे आप कुछ और शॉर्ट्स देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ आ पाए। लेकिन अगर इस आप सभी को एक और टिप्स देना चाहूँगा कि आप बेशक जो है बॉल को आप सभी अर्ली हिट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर इसके अंदर बहुत ही जल्द से जल्द आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी आपके हिसाब से खेल पाओगे अच्छे से। सो इस आप हमेशा अर्ली हिट करने की कोशिश कीजिएगा। सो कि सब आप सभी शॉर्ट बॉल पे भी देख लीजिएगा इस तरीके से 6 को हिट करना, और यहाँ पे स्पीड भी धीरे रहेगी। सो इसकी भी आप सभी टाइमिंग देख लीजिएगा कि उस साथ ही आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिस करने पड़ेगा शॉर्ट इसमें, तभी जाके आप सभी 6 हिट कर पाओगे। आप सभी टाइमिंग के लिए आप सभी जरूर से इसमें काफ़ी सारे बार प्रैक्टिस कीजिएगा 1-2 ओवर, तभी आप सभी अच्छे से 6 को हिट कर पाएंगे। तो चलिए गाइस आप सभी को कुछ और शॉर्ट्स दिखाते हैं। सो कि जब गुड लेंथ पे बॉल हो तो उस समय कैसे 6 हिट करना है, आप सभी थोड़ा स्लो मोशन में इस वीडियो को देख लीजिएगा। सो यहाँ पे इसे मैंने हिट किया टाइमिंग के लिए, आप सभी स्लो मोशन में इस वीडियो को देख लीजिएगा। सो इसी तरीके से आप सभी फास्ट बॉलर के लिए हिट कर सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं स्पिन बॉलर के ट्रिक की तरफ। सो अगर स्पिन बॉलर के लिए जब गया स्क्रीन जो आधा से ज़्यादा ट्रेवल कर चुकी हो, तब आप सभी को यार सीट वाले बटन पर क्लिक करना है। सो चलिए इस ट्रिक की मदद से आप सभी को कुछ 6 और 4 सीट करके दिखा देते हैं। सो किसी यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए स्लो मोशन कर दिया, यहाँ पर आप सभी आराम से देख लो किस तरीके से मैं बैटिंग कर रहा हूँ गाइस। तो यहाँ पे मैंने लॉफ्ट क्लिक किया हुआ है, एंड यहाँ देख सकते हो आप सभी टी सामसी बॉलर है। सो देखते हैं अब गेंद आई है, और यहाँ पे देख सकते हो आराम से मैंने 6 हिट कर लिया है। एंड कई बार ये भी प्रॉब्लम हो रही है स्पिनर के साथ कि बार बार एड्ज लग जा रहा है, तो उसे आप सभी मिसकिप कीजिएगा, बट यहाँ पर बहुत ही आराम से हम 6 हिट कर पा रहे हैं। चलिए और 6 हिट करके आपको दिखाते हैं। सो अगर इस यहाँ पे आप सभी 6 देख लीजिए किस तरीके से हिट कर रहे हैं, एंड आप सभी टाइमिंग का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर जब भी आप स्पिनर के अगेंस्ट टाइमिंग कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा टाइमिंग की ज़रूरत पड़ती है आपको, एंड थोड़ा बहुत स्पीड का वेरिएशन भी होता है, तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप सभी स्पीड वेरिएशन को खेल पाओगे। यार गाइस और भी शॉर्ट्स आप सभी देख लीजिए, तो इसी तरीके से आप सभी गाइस आसानी से 6 हिट कर सकते हो स्पिनर और फास्ट बॉलर के खिलाफ। उम्मीद करेंगे आज की ट्यूटोरियल वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई हो, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लिए गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।